ग्रीन ग्रीन है, कितना खूबसूरत लग रहा है। जो पब्लिक देख रहे हो वो बांग्लादेश वाले हैं, इधर नहीं आ सकते, यही है बॉर्डर यहाँ का। पर बैरियर वगैरह कुछ लगा देना चाहिए था, आराम से घूम जाए आपकी। मैं तो चला ले रहा हूँ संजय वाली। अबे टकराए नहीं। आज पूरा मार्केट भी बंद रहा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का वीडियो आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, मैं पहले का जो वीडियो था। आज आपको जहाँ पर हम लोग कैंपिंग किए थे उस जगह के नज़ारे दिखाएंगे और जो यहाँ की खूबसूरती है गाइस। रात को तो पता नहीं चला क्योंकि अंधेरा हो गया था, और अभी जो सुबह उठ के जो देखे नेचर भाई साहब, इस साइड पहाड़, इस साइड पहाड़, बीच है, इतना साफ पानी, पूरा क्रिस्टल पानी जिसे बोलते हैं वो है। और क्रिसमस तो घर में नहीं मना रहे, आज इन वादियों के बीच में, नेचर के बीच में हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। बालपिन में जाइएगा क्योंकि अभी मैं सो के उठा हूँ और ब्रश ये सब भी हम लोग का नहीं हुआ है। सो 9 बज चुका है क्योंकि कल हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। डांस वांस करते करते हम लोग का 1-2 बज गया था, फिर इसलिए लेट से उठे। तो अभी आपको पीछे नज़ारे दिखाते हैं, इन्जॉय करिए पूरा फुल वीडियो को, क्योंकि आज आप लोग को दिखाएंगे बहुत सारे वाटरफॉल दिखाएंगे, बहुत फेमस फेमस वाटरफॉल यहाँ के, वो सब दिखाएंगे। तो चलिए पहले ये क्रिस्टल क्लीन वाटर जो है उसको इन्जॉय करिए, उसका मज़े लीजिए। Thank you.
दोस्तों, ये है हम लोग का टेंट और हम लोग का हो चुका है 12:30 बज चुके हैं। सर्विस है दवा की, कभी आओ दवा की, कभी आओ तो यहाँ पर जरूर भैया से विजिट करना। और इनका कैंप है और बोटिंग भी है, अभी यही हम लोग बोटिंग से फिर लेके जाएंगे, जहाँ पर हम लोग ने बाइक पार्किंग किया और सामान रखा है वहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे। अगर बॉनफायर, हाँ हेलो गाइस, मायसेल्फ जोशुआ, सो आई एम द होस्ट ऑफ दिस कैंप। सो इफ यू वांट टू कम एंड स्टे हियर फॉर टू नाइट वन नाइट, लाइक my friend Anuj and his friend, he came yesterday, so they really enjoy for the Christmas. Yes, so we provide everything, good hospitality. Yes. And then we have this boating, and then food, we provide food for the campers, like whether you want veg or non-veg, everything is available here, so you don't have to worry. Just I'll be there with you in case like you need help, so I'll be always like ready to help each and every client of mine. I never want them to like to feel unhappy. I want each and every kind to feel comfortable, so that they can enjoy the stay. And then hope you guys will surely come on my campsite. So it basically it open during this from November till March. So and you can see here, you can do boating. The water is crystal clear. Yes. Okay. Yeah. And then it's not far from Shillong, it's only 80 kilometers from Shillong. You can book a car or else you can come by bike, you can rent a bike or car, and then we can enjoy here together. Yes. That's all. Thank you. And if you need my contact, he will give his in the link, my contact number, my details, everything he will give in the link, and then you can go through it and do subscribe his channel, like and share. Yes. Okay, thanks. Thank you. तो दोस्तों देख सकते हो पानी कितना ज्यादा साफ है और ग्रीन ग्रीन कितना खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हो इतना भीड़, वो इंडिया नहीं है, वो बांग्लादेश वाली पब्लिक है। इतना भीड़ उधर से, इतना ज़्यादा भीड़ आ जाता है ना, क्या बोले, पूरा लगता है बांग्लादेश उठ के आ गया यहाँ पर। और इस साइड है अपनी इंडिया और यहाँ के खूब देखिए नज़ारे गाइस। इधर जो पब्लिक देख रहे हो वो बांग्लादेश वाले हैं, इधर नहीं आ सकते, यही है बॉर्डर यहाँ का। पर बैरियर वेरियर कुछ लगा देना चाहिए था, आराम से घुस जाए फिर सही लोग, बैरियर ही सब लगा देते हैं फौजी तो वो है। क्यों नहीं तुम्हारे रास्ता इसलिए, अगर मेला उला में आ गए थे ना उधर बांग्लादेश तरफ भीड़ है,
ये देखिए घुस अंदर घुसने ट्राई कर रहा है बांग्लादेश, लेकिन घुसने नहीं मिल रहा है उन लोग को। हम लोग का इंडियन वाला तो ऐसा रहता है कि नहीं भाई यहाँ बॉर्डर पार नहीं होंगे, लेकिन बांग्लादेश में उन लोग कुछ रहता ही नहीं, घुस जाता मार भी ले जाता पता चलेगा, तो सिटी से मार रहे हैं। हमारे इंडियन देखे पूरा लाइन से लगे हुए हैं कैसे बोटिंग करना, उधर का देखे कैसे मेला पूरा लग गया। तो भाई लोग मैंने ले लिया है बांग्लादेशी अचार, ये बैर का अचार है, एक स्पाइसी वाला है एक स्वीट वाला है, टेस्ट क्या था अच्छा लग रहा था। तो अभी जा रहे हैं रूम की तरफ, देख सकते हो ये जितना भी आप पेड़ देख रहे हो सुपारी वाला, सुपारी का पेड़ है और ये नाली जाके बह जाता है बांग्लादेश में नल्ला। ये है स्नो पैडिंग यहाँ से नीचे में है, देखिए लिखा हुआ ऑल एक्टिविटीज आर क्लोज्ड ऑन 28 में, आज हो गया 25, दो दिन बाद क्लोज रहेगा और एक दिन का 50 रुपये ले रहा पर हेड। दोस्तों आज सोचे थे कि यहाँ से शिलांग पहुँचे, सुबह से इतना राइड किए बस इतना ज़्यादा कि लगभग हम लोग चले होंगे 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर चले, 1 घंटा लगता हम लोग सामान बांधने में, 5 मिनट बाद फिर खोल देते। अभी हम लोग इस होटल में रुके हैं, कल हम लोग जहाँ पर कैंपिंग किए थे वही रिवर जा रही है इधर नीचे यही से, बस यहाँ से थोड़ा सा दूर है 6 किलोमीटर आसपास दौकी है, फिर हम लोग इधर आ गए यहाँ पर। ये आज हम लोग का रूम, ये देखिए प्यारी सी बिल्ली, और इधर के नज़ारे देखो गाइस, इधर हम लोग बैठ सकते हैं चाय पी सकते हैं, क्या लोकेशन है। देखिए वहाँ पर रिवर है वही क्रिस्टल वाला, यहाँ लोकेशन देखो गाइस क्या अमेजिंग लोकेशन है। फिर इधर भी बेसिन दे दिया है, फिर ये देखिए पूरा नीचे खाई है और ये उडेन से बना हुआ है, और ये देखिए 1800 में हम लोग को पड़ा, मच्छरदानी भी दिया है, ये भी दिया बोर्ड, ये सब भी दे दिया है। देखिए फैन भी दिया है, ये 2 रूम है, बड़ा बड़ा बेड भी दिया है, और इधर देखिए इधर दे दिया है टॉयलेट दे दिया है, गीजर भी लगा हुआ है, वॉशरूम दरांग से आगे। अभी हम लोग नीचे जाएंगे स्नो पैडिंग में है हम लोग, ये इस विलेज का नाम है स्नो पैडिंग, यहाँ ऑल एक्टिविटीज होती है वाटर वाली। अंदर जा लोग तो आगे निकल गए, अभी मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे। हम लोगों ने यहाँ पर स्नो पैडिंग में ले लिया है होम स्टे, हम लोग को पड़ा लगा 1800 रुपये का, यहाँ पर हम लोग पार्किंग का चार्ज लग रहा था 50 रुपये, फिर यहाँ से हम लोग को जाना जोहाई जो कि यहाँ से 52 किलोमीटर है, और घाटी वाला एरिया तो ज़्यादा स्पीड में हम लोग चला सकते हैं तो स्लो ही जाते, तो 2-3 घंटा लग ही जाता हम लोग को यहाँ से जाने में, प्लस जोहाई जाते जाते रास्ता में 2-3 वाटरफॉल भी है जो हम लोग को कवर करना था, इसलिए सोचे कि होम स्टे ले लेते हैं। तो गाइस वहाँ पर देख सकते हो ब्रिज बना हुआ है, बहुत खूबसूरत ब्रिज बना, अलग ही टाइप का ब्रिज है, थोड़ा पतला सा है। अच्छा अनुज वाले वहाँ पर है, देखते हो ये भी पतला सा है और ज़्यादा वेट नहीं डालना इसमें भी है। जुनू सा जीने में
हजुमु ससीने में इच्छुनु एक दीवान दी हर तरफ हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ हर तरफ कहे हलके हलके ये रंग जलके जलके जो किससे है कल के भुला दे कोई हौले हौले मेरे दिल से बोले किसी का डोले चल जाने दे कोई जादू किसको मजा है ले ले माँ रमैलो काली ओडाली किसको मजा है ले ले यस देख सकते हो ये किस टाइप का है यार। तो भाई स्वागत है, शाम का समय हो रहा है और स्नो पैडिंग गांव में स्वागत है और अभी हम लोग ब्रिज में चढ़ने वाले हैं। देखो ये एक ब्रिज है, ये सब ब्रिज का उस पर आपको बहुत सारा काम है, इधर आप जा सकते हो। देखो भाई थोड़ा ऐसा टूटा हुआ है भाई, डर लग रहा है, सच है पूरा हिल रहा है, हिली खिला पूरा अबे पूरा हिल रहा है, पूरा हिल रहा है, भयानक है। इसको देख सकते हो गाइस, अरे भाई टूट ना जा। ये देखिए वो जो सेटर उटर बंद करते हैं ना वो वाला है, नीचे देखिए भाई हैंगिंग ब्रिज देखिए ना, देखो तो आप यहाँ भी कैंपिंग कर सकते हो, वो तो वहाँ से जिप लाइन होता है उस साइड आपको ले जाएगा। भाई डर भी लग रहा है, टूट गया ना तो डायरेक्ट नीचे। और पानी देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा साफ है, ग्रीन ग्रीन पूरा पानी और पूरा साफ पानी, इधर से भी आ रहा है शायद वाटर, ये सब टूट गया था, ये पटरा दे दी है। अरे भाई दबता आज सुबह से बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है लेकिन पता नहीं चलता है कहाँ हुआ, बंदे में हिला रहे कैसे हिल रहा है गाइस देखो पूरा भयानक टाइप का हिल रहा है। ओदे वाला किसे गाने से अपने से चला ही गया, वही तो मजा है, नहीं डूबिए गहराई नहीं है उसी में तो मजा है। हाँ वो लोग कर रहे हैं, कैसे हिल रहा है, आवाज भी सुन सकते हो कैसा आवाज दे रहा है। तो गाइस अभी देखो मैंने पहन लिया लाइफ जैकेट और अभी कर रहा हूँ मैं बोटिंग, वो भी ये सिंगल में चला रहा हूँ, अनुज का भी डबल पत्थर डाल दिया अनुज भाई का, मैं ये ले लिए संजय भैया उनको दे दिया। तो गाइस मैं तो चला ले रहा हूँ संजय भाई, ओ भाई जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा मगर फिर भी ना जाने क्यों, अरे कहाँ घूम गया मैं, अच्छा लगा है सेनोरिटा नो बेबी अल्लाह मेरा दा के दादे चलदा रानी मुझको बाहों में तुम घेरो समझे ना सेनोरिटा, अरे अबे टकराए
आशिक है ये चोनैया मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नैया मैं क्या करूं, देख सकते हो गाइस, आशिक है ये चोनैया मैं क्या करूं, तो गाइस अगर आपको राइड घुमाना है मैं क्या करूं, स्लैट आगे बढ़ना है तो दोनों स्लैट दीवाना है ये दिल कोई सामने बनाने वाला नहीं है मैंने दिल से उसे निकाला दीवाना रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का अता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का कि खुद गर्द सी गुलाबी गुलाबी सा